इंदौर के प्रसिद्ध मैकदूत उपवन में प्रेमी जोड़ों के आपत्तिजनक फोटो खींचते और ब्लैकमेल करते दो फोटोग्राफर गिरफ्तार किए गए हैं। मैकदूत उपवन में आने वाले प्रेमी जोड़ों के आपत्तिजनक फोटो खींचकर उनके वीडियो बनाने और फिर ब्लैकमेल करके दुष्कर्म करने का एक बड़ा मामला पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार उपवन में ही फोटोग्राफी करने वाले दो युवक, जिनके नाम है ऋषि और ऋषभ, इन्होंने कुछ युवतियों से दुष्कर्म की बात भी कबूल कर ली है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि अभी तक किसी ने भी दुष्कर्म की रिपोर्ट नहीं कराई है। टीआई तहजीब काजी ने बताया कि गिरफ्तार युवकों के नाम ऋषभ 19 साल, पिता संजय पवार निवासी अम्बेडकर नगर और ऋषि पिता सुभाष भाले निवासी सिद्धार्थ नगर है। ये एक साल से मैकदूत उपवन में फोटोग्राफी कर रहे हैं। दोनों दोपहर और शाम के समय आने वाले प्रेमी युगल पर नजर रखते और फिर उनके आपत्तिजनक अवस्था में फोटो खींच लेते। इन्होंने मोबाइल से कई युगल के वीडियो भी बनाए। मंगलवार शाम को वे युवती का गुपचुप तरीके से वीडियो बना रहे थे तो उसकी नजर पड़ गई। युवती ने तत्काल विजयनगर पुलिस को शिकायत। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इनके मोबाइल चेक किए तो उसमें दर्जन भर से ज्यादा युवक युवतियों के आपत्तिजनक वीडियो मिले। इन्होंने भी कबूल किया कि कई युवतियों और युवतियों को मॉडलिंग के नाम पर भी इन्होंने फंसाया और उन्हें ब्लैकमेल किया है, यानी ये पैसा भी छीनते थे और उसकी असमत भी लूटते थे। आरोपियों ने इस बात को भी स्वीकार किया कि उन्होंने कई युवतियों के साथ दुष्कर्म किया है, हालांकि उसमें से किसी की भी जानकारी पुलिस को नहीं मिली है। फिलहाल पुलिस द्वारा अश्लील सामग्री रखने तथा प्रतिबंधात्मक धाराओं में मामला दर्ज किया है। कोई भी लड़की अगर सामने आती है तो फिर दुष्कर्म का केस भी दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि मेघदूत उपवन में शाम होते ही इंदौर शहर के कई युगल जोड़े आपत्तिजनक हरकतें करते हुए देखे गए हैं और इसी का नतीजा है कि उनके साथ इस तरह का कारनामा अंजाम दिया जाता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।